अंकिता, लोगों का कहना ये भी है कि आप अलग हुए, 7 साल साथ रहे पर फिर अलग हुए. जी अलग होने के जी बाद वर यू इन टच विद हिम? वॉज ही सेंडिंग यू मैसेजेस? वॉज ही स्पीकिंग विद यू? डिड यू हैव एन आइडिया अबाउट हिज लाइफ आफ्टर यू पार्टेड वेज नो मैम, इमोशनली? नो, नॉट एट ऑल. दिस इज कम्प्लीटली अ लाइ. जहां पे लोग बोल रहे हैं कि मैं उसके टच में थी, वो मेरे टच में था. मैम, 4 साल पहले हमारा रिश्ता खत्म हुआ. वो गया यहाँ से, और ना मेरे पास सुशांत का कोई नंबर था, ना मैंने कभी चाहा. क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दैट यू कांट चेज लव, यू कांट चेज लव. यू नो, उसकी अपनी एक राह थी, उसने वो चूज कर ली थी. उसे आगे बढ़ना था और मैंने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसको अपने करियर में आगे बढ़ना था और उसकी कुछ अलग प्रायोरिटीज थी. और आई वॉज हैप्पी फॉर हिम कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है. बट हमारे बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा है. सिर्फ हमारे बीच एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था, वो भी सोशल मीडिया पर. जब हमारी फिल्म आई थी, जो मणिकर्णिका आई थी, उसमें उन्होंने, मुकेश हावड़ा जी ने पोस्ट किया था मेरे लिए, तो उसमें उन्होंने नीचे डाला था, अंकिता आई फील वेरी प्राउड यू नो कि आप ये मणिकर्णिका फिल्म कर रहे हो. एंड दैट्स इट, दैट वाज द ओनली मैसेज व्हाट वी एक्सचेंज. बट दिस इज कम्प्लीटली लाई कि मैंने किसी को स्टेटमेंट दिया है कि उसका मुझे मैसेज आया है. रिया को वो रिया उसे हैरेस करती थी. ना मैं रिया को जानती हूँ, ना मैं उसके किसी ऐसी चीज को, लेकिन मैं सुशांत को जरूर जानती थी. और सुशांत और मेरे बीच कभी कोई ऐसा मैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ. अंकिता जी, तो सुशांत बदल भी सकता था आखिर के 4 सालों में, जो जब आप उन्हें नहीं जानती थी, नहीं टच में थी, कुछ तब्दीलियां उनकी जिंदगी में आ सकती थी? ये भी तो लोग कह सकते हैं कि इंसान बदलते हैं, उनके उनकी लाइफ की चीज़ें बदलती हैं, दौर बदलते हैं, और इंसान जो पहले था नहीं रहता, ये भी तो हो सकता है. इंसान बिल्कुल होता होगा मैम. इंसान अगर बदलता है तो इंसान की तो फितरत है हर बार बदलना. मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर, लेकिन इंसान जो अंदर से होता है वो तो नहीं बदलता ना मैम. उसका जो एक नेचर होता है वो तो नहीं बदलता. तो एक जो उसकी जिंदगी जीने की चाह जो थी वो तो नहीं बदल सकती ना मैम. उसको हमेशा से लगता था मैं ये करूं, मैं वो करूं. आप अगर उसकी मैं उसके अगर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखूं, तो उसने जो वीडियोस डाले, अपना गिटार बजा रहा है, अपना मेडिटेशन कर रहा है. आई सी हिम एज अ वेरी बैलेंस्ड मैन. आई एम वेरी श्योर लाइफ में चेंजेस सबके आते हैं, मेरे भी आए. जब 4 साल में वो गया, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत अलग अलग चीजों से जोड़कर अपने आप को फिर बनाया. मैं बदली, वो भी बदला होगा कहीं ना कहीं. लेकिन इस बदलाव का मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ अपने साथ गलत कर. आई डोंट थिंक सो.